Hey, thank you everybody for all the love that you all have been passing on, and thank you Fifi for coming and for building it up. And we really worked hard on it, huh? Absolutely. We didn't have to actually. No, no. But they were really enjoying it all. Thank you so much, everybody. Love you guys. And we're going to have a complete interview of Siddharth talking to you all one of these days. We're going to go and go to the house and actually picturize it to them. Hi friends, how are you? So nice to talk to you again. In the times of coronavirus, मैं जानता हूँ कि मैं आपको कई चीजें नहीं बता सका जो आप लोगों को मेरे से पहले पता चल गई. मतलब मैं जो पता नहीं था कि मैं बताने के टाइम पे आपको बता दूंगा, मगर पहले लीक हो गई बात कि मैं मिला था सिद्धार्थ और शहनाज से, और ये बात आप लोग को सबको पता चल गई, तो आपने सब लोग मेरे पीछे पड़ गए कि बताओ 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. वेल द फैक्ट इज दैट के सिद्धार्थ का फोन आया, सिद्धार्थ ने कहा मुझे मिलना है एंड वी मस्ट कमिट टूगेदर. तो मैं मिला उन लोगों से और पहली बातें हमने खाली यही की जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ. उनके गाने का रिलीज है जो कल है और बेहतरीन गाना है, तो मैंने भी अपनी लाइन लगा दी कि मुझे भी गाना चाहिए, मेरा भी पिक्चराइज करके दो. जो मेरे दोस्त हैं तो पिक्चराइज करके दो, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तेरा भी गाना पिक्चराइज कर देंगे. तो तेरा गाना कौन सा है? तो मैंने कहा वो मेरे दिल में रहती है, वो धड़कनों में रोज हंसती है, मैं अकेला नहीं इस दुनिया में, वो साया उनके साथ चलती है. इस कदर उससे मोहब्बत है मुझे, हर जगह नाम उसका लिखता हूँ. वो मुझे प्यार से वो देखे अगर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ. वो जिक्र मेरा हर सहेली से मैंने सुना है रोज करती है. लिखा है मेरे दोस्त अनवर सागर ने, और मैं कहता हूँ गाना बहुत अच्छा है, तो सब मान गए कि ठीक है हम पिक्चराइज करेंगे. दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. हाँ बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं. जो भी आपके दिमाग में है ना वो उससे ज्यादा प्यार करते हैं. वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता कि बहुत बेहद, मगर मैं आगे आगे अपने एपिसोड में सब आपको बताऊंगा क्या है. मैं फोटोज भी आपको दूंगा, सब कुछ दूंगा, मगर ये बात है कि मैं पहले बोल दिया उनको कि देखो मेरा गाना है, वो गाना कौन सा होगा वो आपको गाना पड़ेगा. तो दोनों ने मान लिया कि हम गाएंगे, और मुझे वो बेसिकली एक सीनियर की तरह समझते हैं और मेरे बहुत क्लोज हैं. और दोनों आप एक बार नोटिस कीजिए कि हमने जब बिगनिंग में हमने दोस्ती की थी, जैसे एंटर किए थे हम तीनों फ्रेंड हो गए थे, मैं सिद्धार्थ शहनाज आसिम, और मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े सुपरस्टार्स होंगे. तो आप वो भी जानते हैं इस बात को कि दिस इज टोटली अ फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. हम एक दूसरे को समझने लग गए थे और चाहते थे कि एक दूसरे के साथ मिले, आगे काम करें एक्सेट्रा. और मेरी खुश नसीबी है कि ये इतने बड़े बड़े स्टार्स हो गए हैं, और मेरे गाने अगर मुझे भाने हैं तो मैंने उनको बोला मेरी भी हेल्प करो, तो कहते हैं हाँ हम आपके गाने पिक्चराइज करेंगे.